हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ चुका है और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसे आप कहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड तो करना है हमें ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारे अपडेट्स जब मैंने आपको बताया था कि इसे मैन्युअली आपको करना है, तो डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड का लिंक है, मींस ऑफिशियल वेबसाइट का Asus की जो लिंक दिया हुआ है, जब आप इसे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज जो है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलहाल एक अपडेट और आया है, बट यहाँ पर जो है नीचे एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, सी ऑल डाउनलोड्स। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर जितने डाउनलोड्स अवेलेबल होंगे वो सारे हमें नज़र आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला अपडेट जो है, ये 1.59 GB का जो अपडेट है, ये अपडेट जो है वो एंड्रॉयड 10 का अपडेट है, यानी यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का अपडेट जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि यहाँ पर ये डायरेक्टली एक मेजर चेंज यहाँ पर किया गया है कंपनी की तरफ से। हमें बताया गया है कि अपडेट करने पर आपको जो है वो क्या 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 हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एंड्रॉयड 10 जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ पर इसमें बताया, क्लियरली बताया कि एंड्रॉयड 10 अपग्रेड, तो यहाँ पर इसमें क्लियरली बोला है कि आपको आपके जो पर्सनल डेटा है इसको बैकअप कर लेना है। यहाँ पर ये पर्सनल डेटा जितना भी है ये सारा ही इरेज हो जाने वाला है, तो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि एंड्रॉयड 10 का डाउनलोड जब आप अपडेट करोगे तो थोड़ा सा केयर लेना है कि सारा पर्सनल डेटा कहीं पर कॉपी आपको कर लेना है। और ज़्यादा तो कुछ अपडेट इसके अंदर है ही नहीं, क्लियरली यहाँ मेंशन किया है कि एंड्रॉयड 9 का इंटरफेस अलग था और एंड्रॉयड 10 का इंटरफेस जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अलग होने वाला है। तो अगर आपको एंड्रॉयड 10 हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप एंड्रॉयड 9 में ही रहिए, ऐसे भी यहाँ पर इसके अंदर क्लियर किया है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट, गूगल सिक्योरिटी पैच अपडेट भी जो है आपको लेटेस्ट जो है वो मिल जाएगा इस अपडेट में। तो दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सिंपल उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर आपको टैप करना है, स्पेस चेक कर लेना है आपके इंटरनल स्टोरेज में या जहाँ पर भी डाउनलोड आपका डिफ़ॉल्ट फोल्डर है तो वो उसका स्पेस इतना खाली है या नहीं, यानी 1.59 GB का डेटा आपका स्पेस जो है वो खाली होना ज़रूरी है। और डाउनलोड आपको लगाना है, वन टाइम में इसे डाउनलोड कीजिए, बहुत सारी बार डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी ध्यान रखना है, वन टाइम में ही करना है, यानी जहाँ पर आपके मोबाइल का नेटवर्क अच्छी तरह आता है, डाउनलोड स्पीड अच्छी मिलती है, वहाँ पर रहकर इसे आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको जो है वो फाइल्स में आना है, आपके फाइल्स में आने के बाद डाउनलोड फोल्डर में आना है या फिर जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया है। आमतौर पर Asus ZenFone Max Pro M1 का डाउनलोड फोल्डर जो है वो डाउनलोड्स नाम का जो होता है उसी के अंदर आते हैं सारे डाउनलोड्स। तो यहाँ आने के बाद इसे आपको मूव करना है जो है, इसे मैं आपको एक सैम्पल बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे कि एक एक्सपायर्ड कोई एक फाइल है, मान लो यहाँ पर ये एक फाइल है, इसे मूव करना है इस तरीके से, टैप करके रखना है राइट साइड में टॉप पर तीन डॉट से इसे टैप करना है, मूव टू या कॉपी टू में जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में टॉप पर तीन लकीरें दिखेगी, यहाँ पर आपको टैप करना है Asus का जो इंटरनल स्टोरेज है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ कर देना है मूव या कॉपी। तो यहाँ आ जाने के बाद सिंपल आपको आपके मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे, अगेन एक बार रिस्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं आपको बता दूं कि बैकअप ले लेना है, जो भी आपका पर्सनल डेटा है इसे आप बैकअप कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका सारा ही डेटा उड़ जाने वाला है, तो ये बहुत ही केयर लेना है, क्योंकि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका पर्सनल डेटा बैकअप कर लीजिए। बैकअप ले लेने के बाद आप डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट करने के बाद ये जो है ये ऑटो आपको डिटेक्ट करेगा, जो अब नया अपडेट आया है उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद इंस्टॉल के लिए पूछेगा, तो आप इंस्टॉल कीजिए और वेट कीजिए। और जैसे ही आप थोड़ा वेट करते हो तो एंड्रॉयड 9 जो है वो एंड्रॉयड 10 के अंदर अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सिंपल सी प्रोसीजर है, आप करके देखें, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा।